दूसरा आज जो है वो मैं अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट से भी और डोमेस्टिक के भी। सिर्फ मैंने 3 मैच खेले हैं अभी पैटर्न्स ट्रॉफी के जाके, उसके बाद डोमेस्टिक से भी। उसकी वजह यह है कि सेम एक्साइटमेंट लेवल अब नहीं है जो था थ्रू आउट मेरे कैरियर। और मुझे लगता है कि अब एज मेरी 38 हो गई है और एक्साइटमेंट लेवल भी वो नहीं है, फिटनेस भी जो है वो मेरी उस लेवल की नहीं है जो कि इंटरनेशनल में रिक्वायर्ड है, और पैशन भी उस तरह का नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब टाइम है रिटायरमेंट लेने का। और आप सब लोगों का शुक्रिया थ्रू आउट जिन्होंने मेरे कैरियर में मुझे सपोर्ट किया, मीडिया और मेरी फैमिली, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, जिन सब लोगों ने जब अच्छी परफॉर्मेंस हुई तब भी और जब नहीं हुई तब भी मुझे सपोर्ट किया। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दैट्स इट, थैंक यू। हेलो सबसे पहले आपको मुबारकबाद आपने इवेंट जीता, थैंक यू। बड़े कुछ चीजें सामने आई, अप एंड डाउन आए। अच्छा, कैसे देखते हैं 2010 में आपने टेस्ट के लिए आवाज किया, 77 टेस्ट के लिए, 3 साल अभी आप वेट करते रहे। आखिरी टेस्ट जो आपने 2020 में खेला, 3 साल तक आप इंतजार करते रहे टेस्ट के लिए, इसको कैसे देखते हैं? और ओवरऑल अपना जो करियर था आपका, उसको कैसे देखते हैं? नई इनिंग जो खेलने जा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? थैंक यू। नई इनिंग, आप कौन सी इनिंग की बात कर रहे हैं? वो जो पीसीबी में जो है, जी, वो सिलेक्शन कमेटी में जो है वो पीसीबी ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। आजकल मैं इंशाल्लाह जो है वो साइन करके और फिर आगे उसको प्रोसेस करेंगे। जहाँ तक आपने बात की थ्रू मैं अपने कैरियर को कैसा देखता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी कि मुझे पाकिस्तान को 77 टाइम्स टेस्ट में रिप्रेजेंट करने का चांस मिला, और वनडे में भी, 2020 में भी। और अल्लाह ने मुझे जो है वो इस काबिल बनाया कि मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। बड़ा प्राउड, किसी भी प्लेयर के लिए इससे बड़ी प्राउड की कोई बात हो नहीं सकती कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें। और शुरू का वक्त थोड़ा मुश्किल था 2010 में, आपको पता है जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद एक लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हुआ था, पाकिस्तान का जो क्राउड था। लेकिन उसके बाद उसको रिबिल्ड करने का जो प्रोसेस था वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मिसबाह भाई ने जिस तरह उस वक्त लीड किया टीम को, और मैं भी नया नया आया था तो वो सब उस प्रोसेस से गुजरे। उसके बाद दोबारा कॉन्फिडेंस जो है वो क्राउड का गेन किया, और आई थिंक बस मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकूँ। असल भाई, पहले तो मुबारकबाद आपका कामयाब कैरियर पे। आपने कहा साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट और यकीनी तौर पे एक आध दिन में मीटिंग भी अटेंड करेंगे। जी, नेशनल टी20 कप में आपके बहुत सारे परफॉर्मर्स आए, साहिबजादा फरहान पे शहाब ने हाइस्ट विकेट टेकर फिनिश किया, अहमद शहजाद की बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है सोशल मीडिया पे, तो आप वाहिद सेलेक्टर होंगे, कंसल्टेंट होंगे जिन्होंने इनको करीब से देखा है खेलते हुए और उनके साथ भी खेला है अगेंस्ट, तो क्या वो कल करेंगे जब मीटिंग होगी, इन परफॉर्मर्स को डिस्कस करेंगे, पैक करेंगे और कैंप में इनको बुलाएंगे, खासकर अहमद शहजाद की बात हो रही है, साहिबजादा फरहान की बात हो रही है? देखिए, ये तो अभी तक मैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे इसका आइडिया है नहीं किस तरह से प्रोसेस होगा, क्या होगा। वो तो जब मीटिंग होगी उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरह का रोल जो है वो मुझे दिया जाता है या बाकी सेलेक्टर्स को दिया जाता है। जहाँ तक आपने बात की डोमेस्टिक में, तो ऑब्वियसली जो लड़का भी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है वो बिल्कुल सेलेक्टर्स की नज़रों में है, और इट्स अबाउट के चांस और उस वक्त टीम की क्या रिक्वायरमेंट है कि क्या उस वक्त किस प्लेयर की ज़रूरत है टीम को। तो वो सब चीज़ें जब एक दफ़ा मीटिंग हो जाएगी तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी क्योंकि मैंने मीटिंग अटेंड की नहीं है और मैंने अभी तक ऑफिशियली जो है वो उनको ज्वाइन किया नहीं है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ सर। ये ऐसा लग रहा है जैसे आपने कैबिनेट प्लान के हिसाब से जो समाजी तंजीम या बोर्ड का दबाव है, और आपने कुछ लोग क्रिकेट जो प्रेशर रिपोर्ट डाल रहा होता है, तो कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका जाके वहाँ खेलना पसंद कर रहे होते हैं, तो आपने ये डील की है, तो ये ऐसा कोई दबाव था आप पे? नहीं, मुझे थ्रू आउट अपने पूरे कैरियर में किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं रहा। सारे डिसीजन मैंने खुद लिए हैं अपने पूरे कैरियर में, और ये डिसीजन भी मैंने खुद लिया है। मुझे मेरी लाइफ में जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई फोर्स कर सकता है कोई डिसीजन लेने के लिए। तो ये डिसीजन, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उस तरह का एक्साइटमेंट लेवल एज के साथ साथ जो है वो नहीं, मतलब कम होता रहता है एक्साइटमेंट लेवल। लेकिन मैं ड्रॉप होने के बाद भी 3-4 साल डोमेस्टिक में सारा खेलता रहा, वो इसलिए भी कि टीम में कम बैक कर सकूँ, और इसलिए भी क्योंकि
क्योंकि मतलब ये गेम से मुझे प्यार बहुत है, तो मैं ये गेम खेलना चाहता था। लेकिन अब मैंने ये रियलाइज़ किया है कि एज के साथ साथ आपका पैशन, आपका एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा कम होता है, तो इसके हिसाब से कि लोग आपको बोलें कि यार अब टाइम आ गया है, आप खुद ये सोच के कि टाइम आ गया है, और ये बेहतर डिसीजन होता है। फजान भाई, दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ कि हाईएस्ट पॉइंट जब पाकिस्तान की टीम नंबर वन टेस्ट में बनी थी, तो वो कैरियर का हाईएस्ट पॉइंट था, क्योंकि जो है वो जिस तरह मैंने बताया, वो प्रोसेस से पूरा गुजरने के बाद और फिर नंबर वन बनना, और उसके बाद वर्ल्ड कप 2011 में जब हम लोग जा रहे थे यहाँ से, तो लोगों का इतना कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस था नहीं टीम के ऊपर, क्योंकि उसमें भी नए प्लेयर थे, लेकिन वहाँ जो हमने फिनिश किया सेमीफाइनल में, तो वो एक ऐसा मोमेंट है कैरियर का जो हमेशा मुझे याद रहेगा। लोएस्ट पॉइंट मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है कि मैं उसको बोलूँ कि यार ये लोएस्ट पॉइंट है, क्योंकि एज अ प्लेयर आप जब खेल रहे होते हैं पाकिस्तान टीम में, तो उससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती आपकी लाइफ में, तो सब अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और पहला सवाल, सॉरी फैजान भाई, आपने क्या कहा था? फैजान भाई, इस ये सीज़न शुरू होने से पहले ही मैं डिसाइड कर चुका था कि ये मेरा लास्ट सीज़न होगा, क्योंकि मुझे खुद फील हो रहा था कि यार अब एक सीज़न मजीद मैं खेलूं, और जो कुछ मेरे अंदर जो स्किल्स और जो कुछ फिटनेस वगैरह बाकी है, वो इस साल पूरा लगा के और एक अच्छे नोट पे फिनिश करूं अपना कैरियर। अच्छा, इससे पहले कार्जुन ट्रॉफी की सीज़न में सरफराज अहमद कप्तान थे, अब आप कप्तानी करें, सरफराज से आपकी बातचीत कुछ हुई थी या होती थी इस इवेंट के दरमियान? दरमियान तो नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली वनडे में वो कप्तान था, तो जब वनडे ख़त्म हो रहे थे तो 2020 की टीम बन रही थी, तो उसका भी इसमें सब कुछ शामिल था, टीम किस तरह बनानी है और कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। लेकिन अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहाँ पे बिजी है, तो हमारी कोई बात हुई नहीं, लेकिन ग्रुप में वो जब हम मैच जीते थे तो कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज उसके आते रहे, लेकिन मेरी पर्सनल कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब ये टीम बन रही थी उसमें उसका था इनपुट बिल्कुल। नहीं, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अपॉइंटमेंट अगर बात ही नहीं मानी उन्होंने तो नहीं, देखिए मुझे मैंने आपको यही बताया कि अभी तक कोई साइन नहीं किया और कोई मीटिंग नहीं हुई, तो मुझे क्लैरिटी इसकी है नहीं अभी इतनी ना, तो जब एक मीटिंग हो जाएगी मुझे ज़रा स्ट्रक्चर पूरा पता चल जाएगा किस तरह से ऑपरेट करना है क्या करना है, तो मैं थोड़ा आपको वाजह बता सकूँगा। लेकिन जिस तरह उन्होंने भी बात की थी डोमेस्टिक के प्लेयर्स की, तो यही प्रायोरिटी होगी कि डोमेस्टिक में जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, उनको ज़रूर देखा जाए। आपने टेस्ट क्रिकेट को पॉकेट दी, बाकी फॉर्मेट के अलावा हमने देखा कि आपने आखिरी जितना भी अपना क्रिकेट था उसमें ज़्यादा फोकस जो है टेस्ट क्रिकेट पे, टेस्ट क्रिकेट से जहां खिलाड़ी छोड़ छोड़ के दूसरे फॉर्मेट को फोकस कर रहे थे, लेकिन आपने टेस्ट क्रिकेट को फोकस किया और हुआ ये कि एक फॉर्मेट से ड्रॉप हुए और कम बैक भी नहीं हो सका, उसके बावजूद आपने अच्छे किए थे, तो एक लेवल था जब आपको टेंडुलकर से तशबी दी जा रही थी और बात की जा रही थी, सारी चीज़ें की जा रही थी, अब आप एक ऐसे रोल के अंदर आए हैं जब आपको अभी रिसेंटली इससे आप गुजरे हैं, एक कैसे प्लेयर के ऊपर इतना इन्वेस्ट होता है, वो इतना बड़ा प्रोडक्ट बनता है और बनने के बाद जब वो टेस्ट क्रिकेट को पॉकेट देता है और एक दफ़ा ड्रॉप होता है तो वापस कम बैक ही नहीं कर पाता, तो आप किन चीज़ों के ऊपर चाहेंगे कि एज अ जब सेलेक्टर बने तो वो चीज़ें जो आपने एज अ प्लेयर फेस की हैं उनको तब्दील करें? देखिए, आपने मेरे ड्रॉप होने की बात की, तो जब मुझे ड्रॉप किया था तो मुझे ये बोला गया था कि आपकी फॉर्म अभी अच्छी नहीं है, तो आप डोमेस्टिक में जाएं और जाके रन्स करें, तो जैसे आप रन्स करेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा आप टीम में आएंगे, तो मैं डोमेस्टिक में आया, मैंने परफॉर्मेंस भी की पिछले 3 साल के, अगर आप कैजन ट्रॉफी के मैचेज उठा के देख लें
अच्छी थी परफॉर्मेंस, लेकिन अभी जो मेरी बात हुई थी तकरीबन महीने डेढ़ महीने पहले, उन्होंने बोला पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बड़ा अच्छा कर रहा है अभी, और अभी ज़्यादा टेस्ट मैचेस हैं भी नहीं, इतनी जल्दी चेंज करेंगे भी नहीं, और मेरा ख्याल है करना भी नहीं चाहिए बहुत जल्दी। अगर आप किसी प्लेयर को लेके आते हैं तो उसे प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। तो ये मेरी बात हुई थी, तो मैंने आके डोमेस्टिक खेला, फिर दोबारा उन्होंने पिक किया नहीं किया, इसका तो वही जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं किया, लेकिन जो मेरे हाथ में चीज़ें थी, डोमेस्टिक खेलना, परफॉर्म करना, वो मैंने किया। और इसके अलावा दूसरा आपने क्या सवाल, आप कौन सी चीज़ें चाहेंगे तब्दील हो जो आपने फेस की हैं वो और किसी प्लेयर के साथ ना? देखें वही बात कि सिलेक्शन की जो आपने बात की, वो अभी तक मैं उसमें गया नहीं हूँ ना, तो मुझे उसका आइडिया है नहीं पूरा कि वो किस तरह की क्या क्राइटेरिया है, मेरा क्या डोमेन है, चीफ सेलेक्टर का क्या डोमेन है। तो वो जब मीटिंग्स हो जाएंगी तो मैं आपको थोड़ा बेहतर जवाब दे सकूँगा, अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या क्या जॉब है और किसने कितना इनपुट देना है अपना वहाँ पर। आपकी सारनी को कुर्बान जाएंगे सर। अब तो क्योंकि अभी आपने कॉन्टैक्ट साइन नहीं किया तो फिलहाल तो आप पे दबाव नहीं होगा, अगर आप चाहें तो इसका जवाब दे दीजिएगा, नहीं तो लेफ्ट कर दीजिएगा। लेफ्ट है वैसे टेस्ट कैरियर में, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जाते हैं लेफ्ट बहुत खेलनी पड़ती है। 77 रिलेवेंट टेस्ट आपने माशाल्लाह खेले और एक लंबा अरसा नॉन स्टॉप मतलब बगैर ड्रॉप हुए आप खेलते रहे, फिर एक मौका आया कि आप ड्रॉप हुए, उसके बाद दोबारा आपको कमबैक नहीं मिला। उसी अरसे में कई क्रिकेटर्स को, एक आधा कई क्रिकेटर्स के फेलियर्स के बावजूद उनको बार बार मौके मिलते रहे, मैं भी कहूंगा आप चाहे तो जवाब दीजिएगा चाहे तो लेफ्ट कर दीजिएगा। समझते हैं कि ये कराची का होना एक बड़ी वजह होती है कि कराची वाले क्रिकेटर्स को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जितनी बाकियों को मिल जाती है, और शायद यही एक आपके साथ भी होगी, और साथ ही आपका डोमेन तो भी सिलेक्शन का होना है, बट जब आप सिलेक्शन में जाएंगे तो दिशान और उनके बात पूछ रहे थे एज अ डमी सिलेक्टर होंगे या बोल्ड सिलेक्टर होंगे, क्योंकि आपका पूरा करियर बड़ी शराफत से गुजरा है और उस शराफत की कीमत ये हुई कि आप 100 टेस्ट नहीं खेल सके। बड़ी लंबी स्पीच की आपने, तो देखें वही सिलेक्शन वाली बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि वो जो है अभी बहुत ज़्यादा बात कर नहीं सकता उसके ऊपर मैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं मुझे। और दूसरा आपने जो शुरू में बात की कि कराची वाली, देखें हर किसी के पसंद के और नापसंद के प्लेयर तो होते हैं, आपके भी डिपार्टमेंट के कुछ प्लेयर मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप पसंद करते होंगे, तो ये नेचुरल एक प्रोसेस है कि आपको जो है कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं कुछ कम मिलती हैं, ये डिपेंड करता है कि जो चीफ सेलेक्टर है या जो बोर्ड है वो किस प्लेयर को किस तरह देख रहा है। तो यही है, देखें एज अ प्लेयर तो मैं इस चीज़ का आपको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जिन लोगों के हाथ में था सिलेक्शन वो आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं कि मेरा कमबैक क्यों नहीं हुआ या उसके पीछे क्या वजह थी, क्यों कंसीडर नहीं किया गया। मैंने मेरा जो मुझे जो काम करने को बोला गया था कि आप आके डोमेस्टिक खेलें और उसमें परफॉर्मेंस करें, वो मैंने किया। नहीं मेरा नहीं ख्याल ऐसा ऐसी कोई बात है। सर 10 साल आपका कैरियर रहा, 10 साल प्रमोहित रहा, आपने 77 टेस्ट, 60 वनडे और 10 टी20 मैचेस खेले, तो एक बड़ा कैरियर आपका काफी हद से आपने पाकिस्तान को सर्व किया। इस दौरान आपने बड़े बड़े जो नामी गामी कप्तान हैं उनकी कप्तानी में आपने मैचेस खेले, तो कौन से कप्तान को आपने सबसे बेहतर पाया? मिस बॉलर और उसकी वजह मैंने आपको पहले ही बता दी कि जब मैं आया था टीम में तो उस वक्त जो है वो बड़ा मुश्किल टाइम था एज अ टीम हम लोगों के लिए, और यंग आने वाले लड़कों के लिए तो और भी मुश्किल टाइम था। तो उस टाइम उन्होंने टीम को जिस तरह से लीड किया और फिर वहाँ से उठा के टेस्ट में नंबर वन बनाया, तो मेरा ख्याल है कि वो मेरे थ्रू आउट मेरे कैरियर में मेरे फेवरेट कप्तान रहे हैं। नहीं देखें PSL तो मैं खेला हूँ शुरू के तीन चार साल खेला हूँ, उस तरह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी मुझसे। लेकिन आपने आखिरी 2-3 साल की बात की थी तो अब तो बचा ही कुछ नहीं था, तो मैंने खुला ही खेलना था। देखें वो अब असल में बहुत ज़्यादा क्रिकेट इवॉल्व हो रही है ना, तो अब आप बैट्समैन भी देखें डिफरेंट शॉट्स ट्राई करें, लेकिन मैं जो खेला हूँ वो ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट खेला हूँ, तो अपने आप को बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट पे मैं उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया जिस तरह से टेस्ट में रहा हूँ। तो चाहे तो आप इसकी कुछ बैकग्राउंड शेयर करना चाहें तो।
के क्या प्लान है फ्यूचर में बीइंग अ सेलेक्टर, कौन से ऐसे यंगस्टर हैं जिनका आपकी नजर होगी यूनिवर्सिटी क्रिकेट में? सर वो सेलेक्टर वाला जवाब तो मैं दे चुका हूँ कि 1 जनवरी के बाद इस पर बात करेंगे, अभी तो मुनासिब नहीं है क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इसका। दूसरा, आपने करियर हाईलाइट की बात की टेस्ट क्रिकेट में, तो वही जो 137 वाली इनिंग आप मुझे याद करवा रहे हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ थी कि बहुत अच्छी चीज़ भी ऐसा याद है, और मतलब ये ऐसा कि यार अगर वो हो जाता उस मैच में, अगर हम जीत जाते क्योंकि वो सबसे बड़ा टोटल हम चेस कर रहे थे, तो वो चीज़ एक ऐसी ज़िंदगी भर याद रहेगी, लेकिन अगर फिनिश हो जाता तो और भी अच्छा रहता। जी, जावेद भाई का रिकॉर्ड था कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस का। अच्छा, क्या बात हो रही थी, भूल गया। जावेद भाई का ये बंद है, हो गया, खुल गया। जावेद भाई का रिकॉर्ड था ये मोस्ट कंसेक्यूटिव टेस्ट मैच का, तो अगर आप पाकिस्तान में किसी भी बैट्समैन से पूछेंगे तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती कि जावेद भाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये मेरा ख्याल है कि ऐसा प्राउड एक चीज़ है कि मैं हमेशा इसको याद रखूँगा, और जो है ये हमेशा मेरे दिल में ज़िंदा रहेगी ये चीज़। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सर सर, 5000 की फिगर है जो आपके इस मैच में अगर उसको कंप्लीट कर दे तो वो नहीं कंप्लीट कर पाए तो उसका कोई नहीं, नहीं कोई अफसोस नहीं है। 5000 हो जाते तो लोगों ने बोलना था थोड़ा और हो जाता। देखेंगे, नंबर्स तो कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन मैं अपने कैरियर से बहुत सेटिस्फाई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।